वित्त मंत्री के बजट पिटारे से गांव, कृषि और किसान के लिए काफी कुछ निकला है। सरकार कृषि और किसानों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध रही है। बजट में 2022 के लिए कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। साथ ही ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष में आवंटन को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना कर दिया गया है। इसके अलावा ई-नैम के तहत 1,000 और मंडियों को लाया जाएगा। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में जल्द खराब होने वाली 22 फसलों को शामिल किया जाएगा। वहीं जल जीवन मिशन के तहत 2,87,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही माइक्रो इरिगेशन फंड में 5,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन की बात बजट में कही गई। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार काफी कुछ कर रही है। इसी क्रम में 5 फिशिंग हार्बर को आर्थिक गतिविधि के हब के रूप में तैयार करने की बात बजट में कही गई है। ये 5 हार्बर कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेटू आघाट में बनाए जाएंगे। चाय श्रमिकों के कल्याण के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं उज्ज्वला स्कीम में 1 करोड़ और लाभार्थी शामिल किए जाएंगे। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना बचे हुए 4 राज्यों में जल्द ही लागू होगी। MSME क्षेत्र के लिए 15,700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।